दोस्तों, क्या आपके फोन में वायरस है? क्या आपका फोन मिसबिहेव करता है? आज हम बात करेंगे एजेंट स्मिथ वायरस, जो अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है और 25 मिलियन डिवाइसेस को इन्फेक्ट कर चुका है और तेजी से फैलता जा रहा है। हो सकता है ये आपके फोन में भी एंटर कर गया हो। आखिर ये वायरस होता क्या है और क्या होते हैं इससे बचने के तरीके, इस वीडियो में हम इसके बारे में जान लेते हैं। वायरस होता क्या है? वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आपके डिवाइस में एंटर करके आपकी फाइल्स और डेटा को इन्फेक्ट कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। जब इसको एक टाइम में एग्जीक्यूट किया जाता है, और इसका काम चाहे कुछ भी हो, चाहे डेटा हैक करना हो, चाहे डेटा को डिलीट करना हो, ये फैलता है। और जब हम अनट्रस्टेड सोर्स से कोई ऐप या कोई कुछ भी डाउनलोड करते हैं, तो इन्फेक्टेड फाइल की फॉर्म में हमारी अदर फाइल्स में एंटर करा जाता है और उनको भी इन्फेक्टेड करता है। उसके बाद हमारी ऐप मिसबिहेव करने लग जाती है और फोन में हैक्स वगैरह शो होने लग जाते हैं। फिलहाल एजेंट स्मिथ वायरस 25 मिलियन डिवाइसेस को हैक कर चुका है। फिलहाल तो इसने जिसने भी वायरस डेवलप किया है, उसका मेन मकसद पैसे कमाना है, जो भी एड्स के थ्रू, क्योंकि ये हैक्ड फोन्स में और हैक्ड डिवाइसेस में एड्स शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा एड्स शो कर रहा है। हो सकता है आगे ये डिवाइसेस में अदर डिटेल्स हैक करने लग जाए, जैसे हमारी बैंक डिटेल्स और हमारी इंपॉर्टेंट अदर फाइल्स, उनको डिलीट कर दें। फिलहाल इससे बचने का तरीका यही है कि हम जब भी ऐप्स वगैरह डाउनलोड करें तो ट्रस्टेड सोर्स से करें, जैसे गूगल प्ले स्टोर वगैरह, अदर सोर्स से डाउनलोड नहीं करें। इससे फ़ोन में फालतू ऐप्स नहीं रखें और फ़ोन को क्लीन रखें। ऐप्स को सारी परमिशन नहीं दें, जैसे अगर कोई एडिटिंग का ऐप्स है तो उसको कॉलिंग वगैरह की परमिशन देने का क्या मतलब है, तो इसलिए अदर परमिशन उनको प्रोवाइड नहीं करें। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। Thanks for watching.